आइए मित्रों बात करते हैं पहली तीन राशियों की, यानी कि मेष वृष मिथुन राशि वाले कौन सा आज उपाय करके अपने दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। मेष राशि मंगल प्रधान राशि, आज आपको सावधान रहना है मित्रों, अपने आस पड़ोस में विवाद से बचना भी है, हृदय रोग से आज बचाव जरूर करें, रुके काम में आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग है आपके लिए मरून, लकी नंबर है 3। आज छोटी कन्याओं को मिठाई जरूर खिलाइएगा, ये छोटा सा उपाय करने से दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अगर आपकी राशि वृषभ है तो भाई आज अचानक नौकरी में बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अपनी वाणी पर आप संयम रखिए, अपनी सेहत का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, लकी नंबर है 7। आज भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाइए, छोटे बच्चों में बांट दीजिए तो तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मिथुन राशि, नई प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको बचना है, वरना नुकसान अवश्य होगा, अपनों से बिगड़ी बात बन सकती है, आजीविका में कोई बदलाव ना करें। शुभ रंग है आपके लिए ग्रीन यानी हरा, लकी नंबर है 1। आज हनुमान जी को फल जरूर अर्पित करिए, अगर आज के दिन लाल फल अर्पित करें और जरूरतमंद बच्चों में बांट दें तो पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। आइए मित्रों बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि की। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि, कान के रोग से आज बचाव करना है, वरना आप परेशान हो सकते हैं, कार्य करने में कोई भी लापरवाही मत करना वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा, समय पर आप अपने रिश्तेदार की सहायता या मदद जरूर करें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, लकी नंबर होगा 3। आज मीठे चावल का दान कर दीजिए तो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई बात अवश्य ही बनेगी। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि, मित्रों अपने पड़ोसी से भूलकर भी कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा ना करें तो आपके हित में होगा, मित्र से अलगाव भी खत्म होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला, लकी नंबर है 1। आज भगवान विष्णु को थोड़े से गुड़ का भोग लगाइए, पीले फल अर्पित करिए तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। कन्या राशि, व्यापारिक स्थल पर बदलाव करने से, थोड़ा सा भी चेंज करने से आज आपको फायदा होगा, नए अवसर की आपको प्राप्ति हो सकती है, और इसी के साथ आपको बता दूं अपनी मित्रता में संशय मत करिएगा, ये भूलकर भी गलती आज नहीं होनी चाहिए। शुभ रंग है आपके लिए हरा, लकी नंबर है 3। आज पीले फलों का दान जरूर करिए। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, आज पारिवारिक कलह कलेश से बचें, अपने घर में कोई ऐसा वातावरण ना क्रिएट करिएगा, अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है, पुरानी बीमारी में आज आराम जरूर होगा। शुभ रंग है आपके लिए ब्लू यानी नीला, लकी नंबर है 6। आज लाल फल और चावल का दान करने से पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी, नौकरी की समस्याएं खत्म होंगी। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, मंगल प्रधान राशि है, तो मुकदमे में या वाद विवाद में आपको विजय मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, आज गलत खान पान से आप परहेज करें, दूर रहें, और व्यापार में सफलता का प्रयास जारी रखना होगा तो अंततः सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल, लकी नंबर है 1। आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाइए। धनु राशि, मित्र के साथ आज लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, बच्चों को मनाने का प्रयास करें, छात्रों के लिए दिन कहीं ना कहीं सर्वोत्तम साबित होगा। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, लकी नंबर है 3। आज भगवान विष्णु को फल अर्पित करिए तो पारिवारिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। आइए मित्रों बात कर लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशि फल की, कि इनको कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन सा महा उपाय करना है। मकर राशि शनि प्रधान राशि, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का आज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम ना करिए वरना काम बिगड़ सकता है, वात की समस्या में आज आराम महसूस करेंगे। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी, लकी नंबर है 4। आज जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान कर दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि,
आजीविका के योग आज जबरदस्त मजबूत हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम बात है मित्रों। परिवार से कोई भी बात ना छुपाएं तो आपके लिए अच्छा है। सुबह के समय कुछ कदम आपको चलने चाहिए, पैदल घूमना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। लकी नंबर है 5। आज किसी भी धार्मिक स्थल पर आप अन्नदान जरूर करिए। मीन राशि, पिता पक्ष से रिश्ते आज खराब हो सकते हैं, अपने आप पर आपको संयम रखना होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। लकी नंबर है 2। आज एक उपाय करिए दोस्तों, भगवान विष्णु को केसर अर्पित करिए। ऐसा करने से कुंडली का सूर्य और बृहस्पति शुभता जरूर देगा। तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।